एटा लोकसभा सीट से आज समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी कैंडिडेट राजवीर सिंह राजू भैया के आह्वान पर जो समाजवादी पार्टी से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे डॉक्टर आशीष शाह के जो कि मेजर हैं, उन्होंने आज सारे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की है और उनका कहना है अब वो आगे से बीजेपी का काम करेंगे। हमारे बीच है एटा के सांसद और लोकसभा एटा के प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया। आइए उनसे पूछेंगे कि क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रत्याशी की दौड़ में थे उन्हीं को तोड़ लिया है और पूरी तरह से बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ आज बीजेपी में शामिल हुआ है। जी देखिए, मैं आशीष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। और आपको कहना था कि मैं तोड़ के लाया हूँ, मैं तोड़ के नहीं लाया बल्कि उनकी स्वयं की इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी में काम करने की। मैंने स्वागत किया है और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई और इनके मेरे साहब के आने से पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला। संसद जी, डॉक्टर आशीष शाह की जो कि मेजर हैं, बहुत अरसे तक इन्होंने सपा के लिए काम किया, टिकट मांगी, पूरे लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया, अब ये आपके साथ खुलकर हैं तो क्या फर्क पड़ेगा और क्या इसका असर रहेगा? देखिए, सपा कोई भी अपना कमिटमेंट करती है तो उसको कभी निभाती नहीं है। ये उसकी विश्वसनीयता बहुत ख़राब हो गई है। किसी के साथ कोई वादा क्या वो निभाया होता मुझे बताइएगा, वही आशीष जी के साथ हुआ और आशीष जी के आने से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पार्टी को बहुत बड़ा। हमारे बीच हैं आशीष साख जी जो कि खुद यहाँ मौजूद हैं, बीजेपी का पटका पहनाकर सांसद ने उनको बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कराई है। उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी आगे की प्लानिंग रहेगी, क्या सहयोग रहेगा बीजेपी के लिए? सर्वप्रथम मैं माननीय सांसद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी पदाधिकारियों का भी मैं ससम्मान प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे कहा मेरी क्या इच्छा थी और मैं क्यों बीजेपी में आया, देखिए जब मैं एटा में आया था तो कार्य जो है प्रगतिशील थे, अभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और लगभग पूर्णतः स्थिति में आने वाले हैं। जैसे कि मैंने रेल का मुद्दा उठाया था और आज माननीय सांसद जी ने उसका उद्घाटन किया, जैसा कि रोड्स का मुद्दा मैंने उठाया था माननीय सांसद जी ने वो भी कार्य पूरा किया। तो हमारे बीच जो मैं अपनी सोच लेके आया था कि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर रही है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। मुझे हाई कमान से समाजवादी पार्टी से काफ़ी तरह के झांसे दिए गए और लास्ट में जिस तरह मेरी को मना किया गया किसी और का टिकट करके, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमें बुलाया जाए। इस तरह का मैं समझता हूँ एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह से नकारना ये उचित नहीं है। और हमने देश की सेवा की है और एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह से किया जाता है तो मैं समझता हूँ सारे जो हमारे देश की सेवा करके आए हुए हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स में हो, डिफेंस में, एयर फोर्स में हो, जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड है वो सभी जानते हैं और वो सभी लोग मेरे से आके कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। और उन सभी को देखते हुए मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं माननीय सांसद जी के साथ हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार माननीय सांसद जी विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे डॉक्टर आशीष शास्त्री जो कि मेजर हैं, इन्होंने साफ कहा कि इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बड़े झांसे दिए गए, इनको उम्मीदवार बनाने के लालच दिए गए, लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद अंत समय में बिना इनके पूछे इनको मना कर दिया गया। तो पूरे अपने समाज के साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और सांसद जी ने भी कहा कि वो पूरी तरह से इनके जो आने से इनका साथ सहयोग मिलेगा और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।